तो स्वागत है आपका WWE क्रोन ज्वेल 2019 मैच प्रिडिक्शन एंड मैच कार्ड्स के बारे में। तो पहला मैच जो है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, केन वेलास्केज वर्सेस ब्रॉक लेसनर। ये मैच जो है जब सुपर स्मैकडाउन का शो हो रहा था, WWE चैंपियनशिप का मैच हो रहा था बिटवीन द कॉफी किंगस्टन एंड ब्रॉक लेसनर जब ये मैच जीत गया था तभी ये केन वेलास्केज रॉयल स्क्रू के साथ आया था और ब्रॉक लेसनर पर अटैक कर दिया था। उसके बाद ही ये मैच बहुत फेमस हो गया था। तो मुझे लगता है WWE ये मैच और TRP बढ़ाने के लिए ला रहे हैं और केन वेलास्केज को ये मैच जिता देंगे। और वैसे भी UFC में ये दोनों का आमना सामना हो चुका है, जहाँ पे ब्रॉक लेसनर हार का सामना करना पड़ा था ब्रॉक लेसनर को, केन वेलास्केज अच्छी तरह से उसको हराया था। और ये जो नेक्स्ट मैच है ये है सेथ रॉलिंस वर्सेस द फिंड ब्रे वाइट के बीच में। आपको पता ही होगा इससे पहले ये दोनों हेल इन द सेल में आपस में फिर चुके थे और उसके बाद ये जो नतीजा नहीं निकला था हेल इन द सेल में, इसलिए WWE ने फिर से इसको ये दोनों का मैच आमने सामने करा दिया और इस बार ये मैच जो फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच रख दिया ताकि नतीजा निकले और मुझे लगता है ब्रे वाइट ये मैच जीत जाएंगे। WWE ने फैसला किया है इसको जिताने का। मैच आपका आ गया है, ये मैच बहुत ही ज़्यादा वेटिंग मैच चल रही है, बहुत ही ज़्यादा लोगों की निगाहें इस मैच पे है, ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेज टैसन फ्यूरी का। टैसन फ्यूरी जो राइट साइड देख रहे हैं वही है टैसन फ्यूरी, बहुत लोगों के बारे में इसके पता नहीं होगा, ये एक बॉक्सर है टैसन फ्यूरी। तो ये मैच पे भी बहुत ही निगाहें बनी हुई है, मुझे लगता है कि ये ब्रॉन स्ट्रोमैन ये मैच को आराम से जीत जाएंगे। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये रॉ की फुटेज है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन के बीच दौरान ये आई हुई थी, तो उसी के बाद ये बहुत बड़े चर्चे में ये दोनों मैच है। तो ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग होगा देखने में कि ये दोनों के बीच क्या होता है। मुझे लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ये मैच आराम से जीत जाएंगे, WWE भी इसी को जिताएंगे, वैसे भी टैसन फ्यूरी को ज़्यादा पैसा दिया गया है। तो ये जो नेक्स्ट मैच है वो है टीम होगन वर्सेस टीम फ्लेयर। टीम होगन में रोमन रेंज, रूसेफ, रिकोशे, मुस्तफ़ा अली एंड लास्ट चैट गेवल है। वही अपोजिट में रैंडी ऑर्टन, बॉबी लेस्ली, ड्रू मैकइंटायर, नाकामुरा एंड किंग कॉर्बिन है। ये बहुत ही दिलचस्प मैच होने वाली है। तो इधर का कैप्टन जो है टीम होगन का कैप्टन रोमन रेंज और टीम रिक फ्लेयर का कैप्टन रैंडी ऑर्टन है। तो ये मैच बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन की टीम जीत जाएगी, वो कुछ ज़्यादा भारी टीम है। तो नेक्स्ट मैच है ये मंसूर वर्सेज सिजारो। मंसूर जो है सऊदी अरेबिया का ही है, इसीलिए ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच ये हो जाएगा। WWE चाहेगा कि मंसूर जीते, वहाँ का लोकल है तो जिताने का TRP के चक्कर में ये मंसूर को मैच जिताएंगे। इसमें एक टर्निंग पॉइंट ये हो सकता है कि सेमस जो है ये आपको सिजारो का दोस्त है, वो आके कुछ कर सकते हैं और सिजारो को जिताने में हेल्प कर सकती है, ये तो मैच के बाद पता चलेगा। और नेक्स्ट मैच जो है ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाली है, ये जो है लार्जेस्ट टैग टीम मैच इन द हिस्ट्री ऑफ द WWE होने वाली है, टर्मोइल मैच। ये टर्मोइल मैच में आप जितने भी टैग टीम देख रहे हैं लाइक द वाइकिंग राइडर्स, द हैवी मशीनरी, लुचा हाउस पार्टी, जैक राइडर एंड कर्ट हॉकिंस, द रिवाइवर्स, पोसी एंड जॉफ डिगलर एंड रॉबर्ट रूट एंड बी टीम, ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाली है, बहुत ही बड़ा मैच होने वाली है। ये जो लास्ट मैच है एक्चुअली ये लास्ट मैच नहीं है, ये किक ऑफ मैच है। ये किक ऑफ मैच जो 20 मैन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये आपस में लड़ेंगे, उसमें से जो जीतेगा वो एजे स्टाइल के साथ यूनाइटेड नेशन चैंपियनशिप के लिए खेलेगा और मुझे लगता है कि एजे स्टाइल आराम से ये मैच जीत जाएगा। और ये जो पहली बार जो हो रही है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहली बार जो क्राउन ज्वेल में लड़कियों का मैच हो रहा है, ये मैच में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नतालिया वर्सेज लेसी इवांस जो है ये कम्पीट करेगी एक दूसरे के साथ। ये पहली बार WWE जो महिला मैच रख दी है WWE में, तो TRP थोड़ा बढ़ाने के लिए भी किया गया है। तो चलिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।